नमस्कार, हम हैं राकेश कुमार, रउआ देख रहल बानी फाइनल पोस्ट न्यूज बिहार के भोजपुरिया बुलेटिन। देखिए, देश में कोरोना के जे टोटल कुल संक्रमितों के संख्या रहा वो अब 3 करोड़ का पार चल गई। पिछला 24 घंटा में भी 50,848 आदमी नया मरीज मिलल है, जबकि मौत के संख्या जे बा 24 घंटा में वो बा 1,358 आदमी के। कोरोना के संक्रमण कम हो रहा बा, जानल बात बा, चूँकि जहाँ 4 लाख रहा वहाँ 50,000 पर आयल, कम हो रहा बा। देश का तमाम जगह पर जहाँ लॉकडाउन रहा, कर्फ्यू रहा, सब जगह ढील देवल जा रहा बा, बहुत जगह अनलॉक हो गया, दिल्ली के पूरा तरह खोल दिया है। लेकिन एगो भय पैदा करे वाला चीज़ जो बा आ गया बा बा डेल्टा प्लस वेरियंट। कोरोना के एकदम खतरनाक वेरियंट बा डेल्टा प्लस वेरियंट, आ एकरा चलते जेबा से लोग में भय व्याप्त बा, आ वैज्ञानिक जेबा वो एकर खतरा महसूस कर रहा बा, लोग तरह तरह के इलाज के बात हो रहा बा। आ 4 राज्य में ई मिलल है, आ अभी तक बुझी कि 40 आदमी इससे संक्रमित मिल चुकल, जबकि पिछला मंगलवार के जेबा से मात्र 20 आदमी संक्रमित रहे, जनों में से 16 आदमी खाली महाराष्ट्र में रहे। आ 4 राज्य जहाँ ई कोरोना के जे नया वेरिएंट मिलल है डेल्टा प्लस, एमे तमिलनाडु बा, केरल बा, महाराष्ट्र बा, मध्य प्रदेश बा। एकरा के लेके केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण जी जबानी वहाँ का कहानी कि 10 गो देश में कोरोना के डेल्टा वेरिएंट प्लस जे बा मिलल है, जना में से एगो भारत बा। हालांकि डेल्टा स्वरूप जे बा 80 देश में मिल चुकल बा। ऐसे एगो आरो बात बता दी, अगला वीडियो में हम एकर बात करम। कोरोना के जे फैलाव बा वो पेड़ पौधा से भी हो सकता। पहले याद हो, पहले रहे जे संक्रमण आदमी से आदमी होता, फिर भेल पानी में, अब पेड़ पौधा से भी हो सकता। ए पर डिटेल्स हमनी का बात कल जाई अगला वीडियो में, तो अगला वीडियो रहुआ जरूर देखी। अब देखी कि बोधगया में एगो बड़ा अजीब घटना भेला। बोधगया के एगो जानी बिघा गाँव बा बोधगया में, वहाँ का भेल जे एगो बंद पड़ल कुआँ रहे, जोना में एगो गाय गिर गए। अब वो गाय के बचावे ला जे कुछ युवक बा उ लोग चारों ओर से पहुँचल, आ एक आदमी नीचे गेल, नीचे गेल ओकरा बाद में ओकर आवाज़ आयल बंद हो गेल, तो फिर दोसर आदमी गेल, फिर तीसर आदमी गेल, आ तीनों आदमी जे जे भीतर जाए ओकर आवाज़ आयल बाहर बंद हो जाए, बाहर से कुछ लोग के ना अंधेरा रहे। अंत में लोग का खतरा महसूस भेल, तो लोग जे बात से रेस्क्यू टीम वाला के खबर करलक, रेस्क्यू टीम आयल। आ जब रेस्क्यू टीम आयल आ ओकर सदस्य जब भीतर घुसल, तो कुछ अभी घुसते रहे तो ले ओकर दम घुटे लागल, तब ओकरा समझ में आयल कि अरे ये तो जहरीला गैस बा एकरा भीतर। अब देखी कि वही चक्कर में वो गाय के बचावे के चक्कर में एक एक करके तीनों युवक भीतर गेल, आ तीनों युवक के मौत जे बात से जहरीला गैस से हो गई, दम घुटला से। अब देखिए, कोरोना के चलते शादी ब्याह सबके परेशानी रहला। बहुत जगह शादी भेल जहाँ ना बाजा बजल, ना बैंड बाजल, ना लोग बारात लेके निकलल, गुपचुपुआ तरीके से एक तरह से बुझी कि अब सरकार तो कहल रहे जब 20 आदमी, तो 20 आदमी तो हो वाला रहे ना, 20 आदमी तो घरे के हो जाले, तो 50-100 आदमी 200 आदमी ले लोग इकट्ठा भेल, लेकिन एकदम गुपचुपुआ तरीका से ब्याह कैलक लोग। लेकिन अभी कोरोना के ही रहले रहला तो ले बाढ़ भी कोरोने वाला काम शुरू कर दिलक। अब देखिए मोतिहारी के ढेकहा गांव चारों तरफ से पानी से भरल बा, उ जना वार्ड में बा, आ वही में चारों तरफ पानी का लबालब में एगो घर जेबा से टापू लेखा ऊपर रहला। आ बेटी के ब्याह तय हो गए रहला, तो बेटी के ब्याह जब तय रहला तो ब्याह तो वहीं के रहला। अब देखी कि ये पानी में जब घर तक में पानी घुस गल बा, वही में कैसे शादी होता। बार हम का 3-4 दिन का 4 दिन का जी सर। शादी इसमें कैसे होगा, मैंने तो बहुत सारा प्रॉब्लम जी, बहुत दिक्कत है, घर में देखे पानी डूबा है, तो दिक्कत है शादी के में हो रहा है। बारात यहाँ आपके दरवाजे पर कौन सी आएगा? डेंगी से आएगा, बरकना से। अच्छा, कई गो नाम रखे हैं बारात लाने के लिए? दो बरकना भाई जी, आए को देखे पानी डरे पानी है ना, उसे कुछ होगा तो बरकना भाई बाल बहन की डेंगी बहन की देखिए उसकी थी। अच्छा, प्रशासन की तरफ से आपको कुछ नहीं।
दूल्हा जब आ वह नाव से आयल, डेंगी से आयल, बराती डेंगी से आयल आ दुल्हन भी डेंगिये से गेली, लेकिन का परेशानी हुई जरा इस सोचे के विषय बा। अब देखी जे बिहार विधानसभा के प्रतिपक्ष के नेता राजद नेता तेजस्वी यादव आज पटना पहुँचल हैं। वो 2 महीना से दिल्ली रहल हैं, उनकर पिताजी वहाँ बाड़े लालू प्रसाद यादव जी, जेल से छुटला के बाद वो दिल्ली गेल हैं और उनकर तबियत खराब रहल। जैसन तेजस्वी जी के कहल बा कि वो खाली नेते नहीं खन बेटा भी बाड़े, तो बेटा के फर्ज निभावे के रहल हैं, लेकिन उनका आते आते बिहार के राजनीति गर्म। लेकिन यही में जदयू के नीरज कुमार जो बाड़े नेता, वो जबा से अपना ट्वीट से एगो बड़ा तेज तंज कसल हैं तेजस्वी यादव पर। वो कहते हैं कि सीएम नीतीश कुमार बिहार के विकास करत रहल बाड़े आ विकासे में लागे रहल बाड़े, बेहतरी ला हमेशा काम करत रहल हैं, लेकिन सरकार बिना नाम ले ले ट्वीट भेल बा, लेकिन सरकार के खिलाफ गलत बयानबाजी कह के आ अगर केहू चाहे कि हम जनता के दिल जीत ली तो जनता के दिल काम से जीतल जाले, बयानबाजी से ना जीतल जाले। आ जनता तो कब्बे रुआ के रिजेक्ट कर दिले बा, ये नीरज कुमार के तंज बा। लेकिन तेजस्वी यादव का कहतन है पर सरकार पर, ये देखी जब एयरपोर्ट से उतरल हैं तो पत्रकार लोग से बात करत का कहल हैं। सब लोग जानते हैं कि शिकायत मिलने पे जी सांस लेने में जो कठिनाई आ रही है, जब दम शिवम ठीक है ना, विशेष अनुमति लेकर के रांची गए थे और उनकी जो शिकायत थी खास तौर पे निमोनिया डिटेक्ट हुआ शिकायत होने के बाद, लंग्स में जो है वो पानी नीचे करो ना नीचे कीजिए, और किडनी जो है मात्र 25% ही काम कर रहा था, और पहले से हार्ट के पेशेंट रहे हैं, ब्लड टेस्ट वगैरह कराने के बाद जो है जो रिपोर्ट उतना सेटिस्फैक्शन रिपोर्ट नहीं आया था, इसलिए वहाँ के रिम्स के डॉक्टरों ने लाइट बंद कर दिया यार, दिल्ली की ने जो है रिकमेंडेशन दिया गया, क्योंकि किडनी विडनी के जो है इलाज वगैरह वहाँ स्पष्ट रूप से हो नहीं पाता, जो बेहतर इलाज एम्स दिल्ली में होता है। जैसे मास्क हटा लीजिए ना, आवाज़ कम आ रहा। अभी जो है पूरी तरीके से जांच जो है वो चल रही है, और जांच के बाद जो मेडिकेशन होता है डॉक्टर वगैरह वो देने का काम कर रहे हैं। अभी स्थिति जो है कुछ दिनों बाद ही बेहतर पता चल पाएगा, क्योंकि दवा का असर जो है वो कुछ दिन बाद दिखता है, लेकिन ये कि उम्र होने के बाद एक जो लॉन्ग टर्म जो प्रॉब्लम है ये तो रहेगा ही, क्योंकि हार्ट के पेशेंट रहे हैं, किडनी का फंक्शन है। अभी सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं से जो ब्लड क्लॉटिंग की जो समस्या आए बॉडी में उसको प्रिवेंट किया, तो अभी ये हम लोग सब लोग जो है आनंद फानंद में फिर हम लोग एम्बुलेंस से। राज्य सरकार ने देखिए लगातार कई महीनों से किसान जो है वो आंदोलन कर रहे हैं, और किसान जानते हैं कि उनका भला किसमें है, किसान जानते हैं कि उनका भला किसमें है। सरकार के लोगों से लगातार वार्ता चल रही है, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल रहा है। एक तरीके से साफ तौर पे ये दर्शाता है कि सरकार जो है अपनी बातें थोपना चाहती है उन किसानों पर जो देश को अन्न देने का काम करता है, जो अन्नदाता है। अगर किसान नहीं चाहते हैं वो कानून, तो सरकार को वापस ले लेना चाहिए, ये होना ही नहीं चाहिए। और जहाँ तक वायलेंस की बात है, आपने भी देखा होगा इतने दिनों से किसान आंदोलन कर रहे हैं, कहीं भी आपको खबरें नहीं है, लगभग 100 से ज़्यादा किसान जो है वो शहीद हो गए, नीचे करो, लेकिन सरकार द्वारा एक ट्वीट भी नहीं किया गया। और लगातार आप देखिएगा, चाहे सीए हो एनआरसी हो, इस तरह का कानून थोपा जा रहा है, लेकिन जो घटना हुई लाल किले पे अगर हम कहें तो सारा देश जानता है कि लाल किला पे झंडा जिसने फहराया उसके ताल्लुकात किससे, तो हम तो इस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करते। कई किसान संगठनों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि इसमें उनकी कोई भूमिका नहीं है, और ये कैसे हुआ क्यों हुआ ये जांच का विषय है।
आश्चर्य है ना कि जो सीए एनआरसी में जो गोली चलाता है वो नहीं पकड़ा जाता है। अब तक इसने फैलाया वो क्यों नहीं पकड़ा गया, सवाल तो बनता है। वहाँ से किस हालात में वो भागा, क्यों भागा, ये सारे सवाल जो है ये खड़ा करता है। लेकिन आंदोलन को शुरुआती दिन से ही बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और हम लोग तो चाहेंगे कि भाई जल्द से जल्द इसका जो है निर्णय होना चाहिए। आने वाले 30 तारीख को भी हम लोग जो है महागठबंधन के साथ मानव श्रृंखला हम लोग बनाने का काम कर रहे हैं और आप जानते हैं बिहार के किसानों की क्या हालत है, इस पे हम लोग विस्तार से कल नहीं सरकारी नौकरी सरकारी 50 साल से जिनकी उम्र ज्यादा है उनकी कार्य क्षमता देखी जाएगी और उन्हें फिर हटाया जाएगा, रिटायर किया जाएगा बिहार में। चुनाव के समय हमने कहा था जो भी सरकारी कर्मचारी है या पुलिस कर्मचारी उनको जबरन जो है रिटायर करने का 50 साल के बाद जो है रिटायर कर दिया जाएगा। लेकिन हम लोगों ने स्पष्ट तौर पे चुनाव में भी हमने कमिट किया था अगर हमारी सरकार बनती है तो इनकी जो उम्र जो है जो रिटायरमेंट का जो अभी फिलहाल जो कानून है वही रहेगा। लेकिन सरकार तुम हाथ नीचे हाथ नीचे कीजिए ना, वो 50 साल वाले जो रिटायर्ड होंगे नीचे कीजिए ना, लोगों आप ऊपर कर दिए क्या है, रोजगार मिला है क्या, वो तो बेरोजगार, बाप भी अब बेरोजगार हो जाएगा बेटा भी। इस फरमान को कैसे देखते हैं ताज, जितने चैनल पर नया हुई तो निश्चित रूप से चैनल के सब्सक्राइब करी, फेसबुक और ट्विटर पेज के लाइक करी आ दोसर वीडियो जरूर देखम, चूँकि हमें कोरोना के लेके एकदम नया खुलासा हो जा रहा बा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।